गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यशवीर कश्यप। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 पार्ट 2। देखिए, ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मिनरल्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है। और इस पार्ट में हम इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो पॉइंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से पार्ट्स में कितने कितने पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, मिनरल्स आपको इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपके लिए बताया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ मिनरल्स होते हैं इग्नियस रॉक्स में हमें प्राप्त होते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स आक्वर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और कुछ दूसरे मिनरल्स होते हैं जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इन तीनों रॉक्स में हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमें इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशंस दैट फ्रॉम लार्ज प्लेट्यूज, और जो जिनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लेट्यूज में, लार्ज प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पर ये हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, जो आयरन ओर है वो आपका नॉर्थ स्वीडन में प्राप्त होता है, ठीक है। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरियो, ठीक है, कॉपर और निकल है वो ऑन्टेरियो में काफ़ी डिपॉजिट है, ठीक है, काफ़ी भरा हुआ है उसमें, कनाडा में ये पाया जाता है, ठीक है। आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका, और जो आपका आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लेटिनियम है ये आपका साउथ अफ्रीका में आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये जो मिनरल्स होते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में और इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, प्लेन्स में और यंग फोल्ड माउंटेन्स में, ठीक है, इसमें क्या कंटेन होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कैक्सस, ठीक है, और जो लाइमस्टोन है वो आपका कैक्सस रीजन में, जो कि फ्रांस में है, फ्रांस के कैक्सस रीजन में डिपॉजिट है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पाया जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइमस्टोन मैगजीन डिपॉजिट ऑफ जियोर्गिया, ठीक है, और जो मैगजीन है वो जियोर्गिया में पाया जाता है एंड यूकेराइन, ठीक है, यूकेराइन एंड फॉस्फेट, और जो फॉस्फेट है वो आपका अल्जीरिया में पाया जाता है। आर सम एग्जांपल्स मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाइंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा मीन्स होती हैं लेयर, ठीक है, जो आपके स्ट्रेटा सेडिमेंट्री स्टेटा होती हैं उनमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए एशिया।
एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट्स, आयरन ओर डिपॉजिट्स, चाइना और इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट है, मतलब काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। द कंटिनेंट्स प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, ठीक है। और कंटिनेंट जो ये कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ वर्ल्ड का लगभग हाफ, मतलब टिन ये प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये इनमें भी वर्ल्ड्स संसार के सबसे ज़्यादा टिन के ये प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र हैं ये, ठीक है। सब काफ़ी इनमें प्रोडक्शन होता है टिन का, ठीक है। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड्स, एंटीमनी एंड यंगस्टन, एस टंगस्टन। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैगजीन, बॉक्साइड, निकल, जिंक एंड कॉपर। और एशिया में आपके कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मैगनीज है, बॉक्साइड है, निकेल है, जिंक है एंड कॉपर, ये सब आपके एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोप, देखिए यूरोप में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो यूरोप है, यूरोप में भी आयरन ओर वर्ल्ड का काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में यहाँ प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रसिया, देखिए इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, ठीक है, विद लार्ज डिपॉजिट, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ये डिपॉजिट है आयरन ओर आर रसिया, इनमें आपका रसिया है, ठीक है, यूके राइन है, स्वीडन है एंड फ्रांस, इनमें भी आयरन ओर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैगनीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया, ठीक है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉर्थ अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या डिपॉजिट है, क्या क्या वहाँ मतलब पाया जाता है। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन थ्री जोन्स, ठीक है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, उसमें जो मिनरल डिपॉजिट हैं वो थ्री जोन में डिपॉजिट हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो कैनेडियन रीजन है नॉर्थ, ठीक है, इसमें ग्रेट लेक्स एंड एप्लेसियन रीजन है एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट की माउंटेन रेंज हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे आयरन ओर है, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, जो कैनेडियन की शील्ड रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। कोल इन द अप्लेसियंस रीजन, और जो आपका कोल है वो अप्लेसियंस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट साउथ अमेरिका, देखिए साउथ अमेरिका में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में जैसे कि फर्स्ट है आपका ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, देखिए जो आयरन ओर होता है वो हाई ग्रेड का आयरन ओर होता है वो आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का वो ब्राज़ील है हाई ग्रेड आयरन ओर का, क्लियर। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर,
चिली और पेरू है वो आपका कॉपर का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है, वहाँ पर कॉपर पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील एंड बोलीविया आर एमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलीविया, ठीक है, यहाँ पर सब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स हैं ये रीजन, किसके, टिन के। ठीक है, यहाँ पर टिन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक, साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, ठीक है, एप्सटोस एंड डायमंड। इसके अलावा जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर आपका क्या क्या पाया जाता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है, प्लेटिनियम है, एप्सटोस एंड डायमंड, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। ठीक है, और जो मिनरल ऑयल है आपका, मिनरल ऑयल इज फाउंड, ये कहाँ फाउंड होता है आपके, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में एंड कोलंबिया में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका इज रिच मिनरल रिसोर्सेज, अफ्रीका है हमारा बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। ठीक है, जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें अफ्रीका सबसे ज़्यादा धनाढ्य है, सबसे ज़्यादा धनी देश है। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, और जो डायमंड है आपका, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ठीक है, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। ठीक है, जिम्बाब्वे और जायरे है वो आपका, उसका बहुत बड़ा पोर्शन है, वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मतलब प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर। जो अदर मिनरल्स हैं, ठीक है, वो आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, आयरन ओर है, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। ठीक है, और जो ऑयल है आपका वो नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। ठीक है, फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया है वो बॉक्साइट का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, और ये आपका मतलब गोल्ड भी प्रोड्यूस करता है, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल, इनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, ये कॉपर में बहुत अधिक रिच है। ठीक है, लीड में जिंक में एंड मैग्नीज में। ठीक है, कालगोरिल एंड कूलगर डाई एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ये टू रीजन है, ये गोल्ड में, यहाँ पर गोल्ड काफ़ी मात्रा में डिपॉजिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका, जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशियंटली वेल नोन टू प्रिडक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल। देखिए जो अंटार्कटिका है वहाँ पर मतलब कुछ वेराइटी के मिनरल्स डिपॉजिट हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कोल है आपका, ठीक है, और कोल पाया जाता है। ठीक, एंड आयरन भी पाया जाता है। आयरन आपका कहाँ पाया जाता है, नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेंस।
ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, जो ईस्ट अंटार्कटिका है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन से, वहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, इज फोरकास्टेड आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज, और यहाँ पर ये कॉमर्शियल क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। ठीक है, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। देखिए इंडिया में जो मिनरल्स हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आपका आयरन, ठीक है, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में। इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, जो हाई ग्रेड का आयरन ओर है वो इंडिया में काफ़ी डिपॉजिट है, काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, और ये जो मिनरल्स हैं ये आपके झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया आर झारखंड, ठीक है, बॉक्साइट है वो आपका झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इन रीजन्स में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइका। माइका डिपॉजिट मेनली अक्वर इन झारखंड, और जो माइका है वो आपका झारखंड में, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो स्टेट हैं इनमें पाया जाता है माइका। ठीक है, और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मीन्स अपने मतलब जो उनका प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करना, यानी कि बाहर भेजना। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक, ऑफ माइका, माइका में। ठीक है, यानी कि माइका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है अपने इंडिया से, क्लियर, वर्ल्ड में। कॉपर इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, और जो कॉपर है आपका वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैगनीज। मैगनीज इंडियाज मैगनीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, और जो मैगनीज है वो आपका कहाँ पर डिपॉजिट है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइमस्टोन। देखिए लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, ठीक है, इसमें आपका बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, यहाँ पर लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गोल्ड, देखिए गोल्ड आपका पाया जाता है आपका कोलार इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो कोलार की रॉक्स हैं वहाँ से ये पाया जाता है। हैज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर डिपॉजिट है। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है, और ये जो प्राप्त किया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, तब ये जाके इसकी माइन की जाती है। ठीक, नेक्स्ट है साल्ट। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम सीज, जो साल्ट है हमारा वो सीज से प्राप्त होता है। ठीक है, सीप से, सीज से यानी कि समुद्र से ऑब्टेन किया जाता है, लेक से ऑब्टेन किया जाता है एंड रॉक्स से। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। ठीक है, और इंडिया है वो वर्ल्ड का काफ़ी मात्रा में साल्ट एक्सपोर्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक, यूजेज ऑफ मिनरल्स, इसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।